एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं हूँ पूनम। मैं हूँ अश्मी। आफ्टर लंच के बाद मैं तुरंत ही लंच प्रिपरेशन करती हूँ, बट आज मेरी बेटी पहले उठ गई तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और कुछ इस तरह से एक्टिविटी करा रही हूँ। तो आज मैं आपके शेयर करूँगी अपना लंच रूटीन, जो मैं बंगाली थाली बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है। तो उससे पहले मैं जो एक्टिविटी उसके साथ करा रही हूँ वो छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्या है, ये क्या है, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, यहाँ पे देखो वी कहाँ है, यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मैं आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ लंच रूटीन, जहाँ मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली थाली, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही यम्मी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ रेहू फिश करी। तो यहाँ पे मैं लिया हूँ 250 फीस और जिसमें मैं डाली हूँ नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर, जो बेसिक जो जनरल मसाला है वही मसाला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ऐड करूँगी धनिया पाउडर, गरम मसाला, मैं यहाँ पर शाही गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जनरल मसाला जो नॉर्मल गरम मसाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जितने भी मसाला है उसको हम लोग अच्छे से कोट कर देंगे। तो इसको इसलिए मछली है इसलिए हाथ लगाना ज़रूरी है, चम्मच से अच्छे से मछली कोट नहीं होता है, ये मेरा सोच है। मैं भी अगर हो सकता तो आप लोग स्पून के द्वारा भी कोट कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मुझे कम लगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। फिश को मैं 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर एक पैन लिया हूँ जिसमें मैं येलो जो मूंग दाल होता है जिसको सोना मूंग दाल भी कहते हैं, उसको हम लोग खाली पैन में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट होने में से 3 से 4 मिनट लगता है, हम लोग ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर रोस्ट होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी, जैसे मैं यहाँ पर 1 कप मूंग दाल यूज़ किया तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी डालूंगी। तो आप लोग अपने हिसाब से थिकनेस के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा पतला खाना पसंद है तो 2.5 कप का भी क्वांटिटी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ एंड 2 कप पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगी नमक और डालूँगी हल्दी पाउडर, जो दाल बनाने के लिए जनरली बॉयल करने के लिए ज़रूरत होता है वही मैं डाल रही हूँ। साथ में कुछ और मसाला भी हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला जिससे जो दाल का फ्लेवर है बहुत अच्छे से आए। और दाल कुकर में हम लोग बॉईल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा घी डाल के हम लोग यहाँ पर सीटी लगाने के लिए 2 सीटी के लिए छोड़ दिए। यहाँ 10 मिनट हो चुका है तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया हूँ एंड फिश फ्राई करने के लिए पहला जो स्टेप है तेल अच्छा से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही फिश ऐड करना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पर फिश का जो माथा है उसको मैं फ्राई करूँगी क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल दाल। यस, मैं मछली का माथा दे के दाल बनाने जा रही हूँ। येलो मूंग दाल में अगर फिश का मुंडी दे के अगर बनाते हैं वो भी रेहू फिश का, तो बहुत ही यमी लगता है, सुपर डुपर हीट है पर खाना मन लगेगा, आपको कुछ और नहीं चाहिए, ये दाल के साथ आराम से खा सकते हैं। और मछली को दोनों साइड रेड होने, तो ये फिश फ्राई होने में करीब 5 से 7 मिनट लगता है। अब नेक्स्ट सेकेंड बैच में मैं फिश फ्राई का जो पीसेस होता है उसको ऐड कर रही हूँ। तो 2 से 3 बैच में मेरा जितना भी मछली है अच्छा से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए एकदम इस तरह से आपको कलर चेंज होने तक फ्राई होना होगा। तो मेरा यहाँ पर फिश जितना भी था ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब लोग हम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बनाएंगे ग्रेवी, तो ग्रेवी के लिए हम लोग वही तेल यूज़ करेंगे। आप लोग चाहें तो तेल फेंक सकते हैं बट मुझे लगता है इस तेल में फिश का एक फ्लेवर होता है। तो मैं उसी तेल में कटा हुआ 2 मीडियम साइज़ का प्याज लंबा लंबा मोटा टाइप का काट के इसमें ऐड कर दिया हूँ। और प्याज को हम लोग रेड होने तक भूनेंगे जब तक ना प्याज का जो कलर हो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज का जो कलर है चेंज हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट को हम लोग 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक ना इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम लोग ये स्टेज में जो बाकी मसाला है वो ऐड करेंगे। तो मसाला ऐड करने से पहले भुना हुआ प्याज मैं दाल में ऐड कर देती हूँ, दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुका है।
तो यहाँ पर टमाटर ऐड कर रही हूँ। दो टमाटर को मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ और थोड़ा सा पानी डालते हुए टमाटर को अच्छे से भून लूँगी। दाल को भी ऑनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद अच्छे से, क्योंकि मिक्स करने से जो भी तेल है अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो दो फिश का जो हेड पहले से फ्राई करके रखी थी। इस तरह से हाथ के द्वारा तोड़ रही, आप लोग कंची के द्वारा तोड़ सकते हैं, स्पून के द्वारा भी तोड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है। यहाँ पर जो मछली का माथा है तोड़ के मिक्स करने के बाद इसको एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। इधर जो टमाटर डालने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो सूखा मसाला बेसिक, उससे पहले मैं डालूंगी नमक। टमाटर डालने का नमक डालना ज़रूरी होती है, नहीं तो ये टमाटर पकता नहीं है तुरंत ही। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद मसालों को भूनते रहेंगे। उसके बाद सूखा मसाला जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मैं 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, सूखा मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ और मसाला को आराम से भूनते रहूँगी मीडियम फ्लेम पे, जब तक ना इससे तेल ना रिलीज होता है। तो अब देखिए मसाला में जो प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुका है, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, आपको कलर देख के भी पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसाला को भूनते रहेंगे जब तक ना ये अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं लगा रही हूँ दाल के लिए तड़का, जिसके लिए मैं लूँगी 1 टेबलस्पून घी। ये दाल में हमेशा घी से ही तड़का लगाना चाहिए तो ही आपका दाल बहुत ही यम्मी बनेगा। तो मैं लिया 1 टेबलस्पून घी और इसमें साथ में डालूंगी थोड़ा सा जीरा। तो जीरा पकने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि मसाला मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, तो ही आपका जो तड़का होगा बहुत ही यम्मी होगा। तो यहाँ पर दाल में हम लोग डाल के इसको इस तरह से छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, उबाल के लिए छोड़ देंगे, तो जो भी तड़का है दाल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो यहाँ पर देखिए तेल निकलने लगा, जो भी मसाला है यहाँ पर थोड़ा सा और पानी देके भूनते रहेंगे लगातार, जिससे प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाए, प्याज अच्छे से गल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कटा हुआ प्याज यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पर तेल ऊपर की तरह आना स्टार्ट कर दिया, तो ये स्टेज में हम लोग मछली को ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से 3-4 बार मैं पानी डाल डाल के जितना भी मसाला है उसको भून चुकी हूँ। और मछली डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे मैं मछली को 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मीडियम फ्लेम है, लो ही फ्लेम पे कीजिए, उबाल आने का फ्लेम को कर दीजिएगा लो और 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। आप लोग चाहें तो फ्राई मछली भी खा सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें थोड़ा सा कड़ा मछली खाना चाहते हैं तो एक उबाल आने के बाद तुरंत भी बंद कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके घर में किस तरह से फिश करी खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे मेरा जो दाल है अच्छे से बन चुका है, इसको जो तड़का है अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दाल बहुत ही यम्मी बना था, बिलीव मी। अभी वीडियो देख के मुझे लग रहा था मैं तुरंत फिश खाऊं, क्योंकि बाहर में बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और साथ में यहाँ पे फिश करी भी बन चुका है, गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ किस तरह से बना है। जिस तरह से मेरे घर में इस तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं खाता, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं खाता, कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए खाते हैं। और साथ में मैं आलू फ्राई बनाई थी, इसका रेसिपी मेरा लास्ट वीडियो में है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, बहुत ही अच्छा लगता है साथ में। तो ये था मेरा प्रॉपर बंगाली थाली, राइस, आलू फ्राई, दाल और फिश करी। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस तरह से फिश करी खाते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाला बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।